हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम सिराज और आप देख रहे हैं SAS मरीनर। गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ लॉफ्ट वर्क के लिए, मतलब ग्रीसिंग करना है क्रेन के ऊपर तक। मेरे साथ हैं शुभम भाई, ऊपर अभी मिलेंगे, ऑलरेडी ऊपर जा चुके हैं, और मैं जाऊँगा ऊपर और करूँगा ग्रीसिंग। तो चीफ ऑफिसर ने जो कुछ भी था, जितना भी बताना था, चेकलिस्ट वगैरह कर लिया, और जो परमिट्स था हमने साइन वगैरह कर दी। तो अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर और ग्रीसिंग करूंगा। आपको भी दिखाऊंगा कैसे होता है जहाज़ पे, क्रेन पे ग्रीसिंग, कितना रिस्क है, क्या क्या है। चलिए गाइस, लेके चल रहा हूँ मैं आपको। मैं ऊपर पहुंच गया हूं, एकदम टॉप पे हूं, क्रेन के एकदम टॉप पे। और यहां पर अभी जैसे शुभम भाई ने निप्पल का वो ग्रीसिंग किया निप्पल में, और अभी वो कुछ शायद चेंजेस करना है उसमें या फिर चेक कर रहे हैं। जैसा भी रहेगा मैं आपको दिखाता हूं। और अच्छी खासी फट रही है, क्योंकि ये सबसे टॉप है, सबसे ऊपर है क्रेन का, और यहाँ का जो लैडर है एकदम स्ट्रेट है, उसके बाद में रेलिंग भी नहीं है ऊपर लैडर पे। जैसा नीचे थी रेलिंग, वहाँ वैसे ऊपर रेलिंग नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा काम हो रहा है ऊपर का ग्रीसिंग का। और चीफ ऑफिसर ने पूरा मतलब पेपर वगैरह दिया था, बट उसे लेके आना, उसे देख के करना नहीं मतलब पॉसिबल है। और शुभम भाई ऑलरेडी 3-4 जहाज कर चुके हैं, सेम टू सेम, सेम वेसल, सेम क्रेन, सेम टाइप का था, तो इसीलिए उनको हर एक का, हर चीज़ का प्रॉपर नॉलेज है। तो वो कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा काम चल रहा है ऊपर ग्रीसिंग का। ये मिस्टर शुभम निप्पल को क्लीन कर रहा है भाई। जैसे टाइट करना है उसके बाद में ऑन करना है। नीचे से एयर चालू है और एयर के थ्रू इसको इस अंदर फिलअप होगा। बाहर निकल रहा है ऊपर से, जस्ट चीफ ऑफिसर आए थे यहाँ पर चेक करने के लिए सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। और हमारे शुभम भाई लगे पड़े हैं, काम चल रहा है अच्छे से। शुभम भाई उस साइड देख रहे थे, क्योंकि यहाँ से जो है पाइप उस साइड गया है, दूसरे वाले सी में गया है। तो मारना यहाँ से है, फिल यहीं से करना है, बट वहाँ पर जो पाइप का कनेक्शन है वहाँ पर गया है। तो शुभम अपना लगा पड़ा हुआ है भाई, अपना आया क्या भाई? आऊँ मैं? जस्ट नीचे आया है, ये मैं दिखाता हूँ। यहाँ से ऊपर जाना था, ये मैं अभी जस्ट खोल दिया एकदम ऊपर टॉप पे। ये आप केबिन देख रहे हैं, केबिन के ऊपर है जस्ट। और अभी मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊँगा, बड़ा नहीं करूँगा, क्योंकि इंटरनेट का भी प्रॉब्लम है, लिमिटेड इंटरनेट है। मैं इंडिया में सेलिंग नहीं कर रहा हूँ अभी, फॉरन में ही कर रहा हूँ। और ये मतलब यूरोप, नॉर्मली यूरोप ही करेगी ट्रेडिंग, और सही टाइम पर वीडियो भी अपलोड नहीं हो पाएगा गाइस, बट होगा टाइम टू टाइम, मतलब आते ही रहेगा। ऐसा नहीं कि वीडियो मैं अपलोड नहीं करूँगा, करते रहूँगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, क्योंकि इंटरनेट का भी इशू है, ज़्यादा MB मिल नहीं रहे। पोर्ट भी 1 महीने के बाद आएगा अब नेक्स्ट पोर्ट, तो ट्राई करूँगा जितना वीडियो है मैं यही लास्ट वाले पोर्ट पे अपलोड कर दूँ। गाइस अभी देखिए, हमारे शुभम भाई पीछे मार रहे हैं ये नीचे वाले डेक पे। ऊपर वाला काम तो हो गया, बहुत रिस्की था थोड़ा, बहुत क्या, बहुत ज़्यादा रिस्की था। और चीफ ऑफिसर भी जस्ट आए थे देखने के लिए। बाकी यहाँ की क्रू बहुत अच्छी है, सब अच्छे हैं, पब्लिक अच्छी है, और धीरे धीरे फैमिलियर हो जाएंगे हम लोग अच्छे से।
तो गाइस ये वीडियो को अभी लंबी नहीं करूंगा, मेरे को अंदर जाना है, थोड़ा फोटो वगैरह क्लिक करना है क्योंकि चीफ ऑफिसर ने बोला है फोटोज वगैरह लेने के लिए काम होने के बाद में। काम करते वक्त भी मैं जो जो काम करूंगा और भी वीडियो बना के रखूंगा, न्यू पोर्ट आएगा अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मैं अभी जाने वाला हूँ जॉर्डन। जॉर्डन में भी इंटरनेट अच्छा मिलता है तो वहाँ भी ट्राई करूंगा जितने वीडियोस रहे वहाँ जॉर्डन में अपलोड हो जाए। करीब एक महीने का वॉयज है तो एक महीने तक वीडियो बनाऊंगा जैसा भी रहेगा, उसके बाद में टाइम टू टाइम अपलोड होते रहेगा आपके पास। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।